हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। दोस्तों, कई सवाल और कई कमेंट्स आप पूछ रहे थे कई मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं सबके मैं आपको जवाब दे पाऊं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है उसमें दो मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और आज 30 तारीख है, मोस्टली आज शाम तक या कल थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। तो कई कॉमन सवाल और कई कंफ्यूजन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है और उन्हीं के जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप हर चीज समझ पाए बारीकी से और बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के आप अपनी प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस की पूरी कर पाए। दोस्तों, आई वो शॉक्ड कि मैंने अभी भी रिसेंटली भी कल भी मैंने कहीं पे कमेंट देखा जहां पर बच्चे ने अभी भी सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था और कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा था। तो ये बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन है। याद रखिए दोस्तों, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हड़बड़ी में, थोड़ी घाई गड़बड़ में आपने एक गलती अगर कर दी है, आपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है या कॉलेज का ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया है तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लेकिन उसको दूर कर सकते हैं आप। अभी भी आपके पास वक्त है। जो बात मुझे कई लोग पूछ रहे थे कई कमेंट्स के माध्यम से कि सर, हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, ये पहला क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे, कॉलेजेस के फॉर्म्स अप्लाई कर दिए थे। हमको लगा उससे ही हो जाता है, हमको पता नहीं था कि कॉलेजेस के भी फॉर्म भरने चाहिए। हम तो रुके थे लिस्ट के लिए और हमारा नाम ही नहीं आया, जबकि हमारे से कम परसेंटेज वालों का नाम आ गया है। तो दोस्तों, प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी थी, आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना था और साथ ही साथ आपको जो कॉलेजेस आपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म में डाले हैं उनके फॉर्म्स भी भरने थे कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाकर या ऑफलाइन लेकर। तो अगर आपने वो नहीं भरा है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले मेरे वीडियो में भी बताया कि एडमिशन डेट्स आर एक्सटेंडेड, एडमिशन की डेट्स जो है वो एक्सटेंड की गई है मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा और वो 10 सितंबर तक है। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा दूं, इट इज स्टिल 10th September, तो अभी आपके पास समय है, आपके पास समय है कि आप जल्दी से फटाफट से बिना टेंशन किए, कंफ्यूजन को साइड में रख के, फ्रेश माइंड के साथ एकदम एंथुजियाज्म से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में कॉलेज अप्लाई करें। दूसरा, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाएं या उस कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, भाई आपकी कोई वेबसाइट है या आप ऑफलाइन फॉर्म दे रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि ऑनलाइन ही हमारा सब चल रहा है तो ऑनलाइन उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर योर रिस्पेक्टिव कोर्स, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। ये प्रक्रिया 10 सितंबर तक प्लीज कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, ताकि आपका नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में आ जाए। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, अभी हम अगर फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हमको लेट पता चला, हमने तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, तो हमारा थर्ड लिस्ट में आएगा क्या? तो बहुत ना के बराबर इसके चांसेस हैं, क्योंकि थर्ड लिस्ट जो है ये आज शाम तक या कल आ जाएगी, तो उसमें आपका नाम शायद नहीं आएगा। आपका नाम जो है उसके बाद एक आखिरी जो राउंड होगा उसके अंदर, जो लेट जिन्होंने 14 अगस्त के बाद फॉर्म्स भरे हैं उनके लिए कंसिडर करेंगी कॉलेजेस, तो ही आपका नाम आएगा। और मैं समझता हूं ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर अभी तक लिस्ट को देखा है, मेरिट लिस्ट को, तो आपको पता चल गया है कि कट ऑफ्स क्या है, आपको पता चला है कि आपका परसेंटेज क्या है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मेरा कौन से कॉलेज में आएगा, और जब आप सिलेक्शन कर रहे होंगे तब भी आपको शायद ये पता चले कि यार बहुत सारे कॉलेजेस जिनका मैं चाहता था एडमिशन लेना, वहां पर अब एडमिशन बंद हो चुका है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में ही एडमिशन वहां पर फुल हो गए। तो ऐसे में आपके आसपास के कॉलेज, आपके नजदीकी कॉलेजेस जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, उसमें भी एडमिशन ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉलेज डजंट मैटर। याद रखिए, मैटर तब करता है जब आपको अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ईयर अगर आपको लगता है कॉलेज नहीं है सही, हालांकि सब ऑनलाइन ही होने वाला है, तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे सेकेंड ईयर में। लेकिन फिलहाल आप एक कॉलेज में एनरोल तो हो जाइए, एनरोल कर लीजिए अपने आप को, एडमिशन ले लीजिए कहीं ना कहीं। 10 सितंबर तक का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी दोनों फॉर्म्स भरिए, मुंबई यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का रिस्पेक्टिव फॉर्म, और अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कीजिए। जहां एडमिशन मिल रहा है, जहां पर आपका कट ऑफ, जहां पर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वहां पर एडमिशन ले लीजिए। ये मेरी एडवाइस है उन लोगों को जो लेट जागे हैं, जिन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि कॉलेज का फॉर्म्स भरना है। दूसरा,
दोस्तों कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे, कुछ ऐसे भी सवाल थे जहां पर स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने लेट फॉर्म भरा है तो हमारे लिए लिस्ट कब लगेगी। तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी इसका सर्कुलर निकालेगी और बताएगी कि 30 तारीख या 31 तारीख को जो भी डेट है 30 के बाद, उस दिन तो थर्ड लिस्ट आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद की जो राउंड होगी वो कब आएगी। और ये भी रिस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है। आपके कॉलेज में फोन करके भी, जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पर कॉल करके भी एक क्वेरी पूछ सकते हैं, वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि उनके पास कितनी सीट्स अलॉटेड हैं और कितनी वहां पर अवेलेबल सीट्स हैं, तो वो आपको एडमिशन वहां पर दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि सर मेरे से कम परसेंटेज वालों का लिस्ट में नाम आ गया लेकिन मेरा नहीं आया, तो ऐसा कैसे, ये क्या झोल है। तो याद रखिए दोस्तों कि हो सकता है कि आपने फॉर्म लेट भरा हो इसलिए आपको कंसिडर ही ना किया गया हो उस कॉलेज, ऐसे में आप उस कॉलेज को फोन कीजिए। आपने दोनों फॉर्म्स भरे हैं ना, दोनों के प्रिंटआउट्स आपके पास है ना, तो आप उस कॉलेज को फोन कीजिए और बताइए कि मेरा परसेंटेज इतना इतना है, कट ऑफ के हिसाब से आई एम एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो वो लोग आपको उसके बारे में पूरी सफाई भी दे देंगे और हो सकता है वो आपको कंसिडर करके आपको एडमिशन भी ग्रांट कर दें। तो इस प्रकार से अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं है और आपको लगता है कि आ गया होगा, तो आपका लेट सबमिशन की वजह से शायद कंसिडर ना किया हो और अगले हफ्ते तक जो लिस्ट आए उसमें आपका नाम आ जाए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये मुझे पूछा था और इसका जवाब आप सबके लिए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में एक जगह नाम आ गया था या सेकेंड लिस्ट में हमारा एक जगह नाम आ गया था, हमने वहां पर एडमिशन तो ले लिया लेकिन हमको कॉलेज नहीं चाहिए था। अभी सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में हमारा नाम अच्छे कॉलेज में आया है जहां पर हमें चाहिए था, तो क्या करें। तो ऐसे में दोस्तों आप कैंसिल कर सकते हैं आपका फर्स्ट वाला एडमिशन और यहां पर जहां आपका नाम अब आया है वहां एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु कंडीशन बहुत सिंपल है, कैंसलेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी। हर कॉलेज की अपनी खुद की अलग कैंसलेशन पॉलिसी होती है। अगर आप कैंसिल करवाते हैं आपका एडमिशन एक जगह से, तो वहां का जो भी चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। कई जगहों पे ज्यादा चार्जेस हैं, कई जगहों पे फीस रिफंड नहीं होती है, कई जगहों पर होती है तो बहुत कम काटते हैं वो लोग, कई जगहों पे बहुत ज्यादा काट लेते हैं। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एडमिशन कैंसिल कीजिए और जहां पर आपको चाहिए था वहां अगर आ गया है तो वहां ले लीजिए। लेकिन कैंसिलेशन का डिसीजन सोच समझ के लीजिए, अपने बड़ों से पूछ कर लीजिए, घाई गड़बड़ी में मत कीजिए। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा ये सजेशन है कि अगर आपका नाम अभी तक कोई भी लिस्ट में नहीं आया है तो अभी भी आपके पास टाइम है 10 सितंबर तक का, जरूर फॉर्म फिल कीजिए और जो भी आपके आसपास के कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई कीजिए, उनकी वेबसाइट पर भी अप्लाई कीजिए। बोथ द फॉर्म्स यू हैव टू फिल, पहला मुंबई यूनिवर्सिटी का और दूसरा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज का फॉर्म, ये दोनों करके जहां पर एडमिशन आपको एलिजिबल होते हुए मिल रहा है वो जरूर 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 कंप्लीट कर दीजिए और आगे की जर्नी को शुरू कीजिए। कब तक इसमें उलझे रहेंगे, फटाफट से अपने को पढ़ाई चालू करनी है, फटाफट से अपने को आगे की जर्नी शुरू करनी है, अपने को नए व्यक्तित्व के साथ मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, नए भविष्य को देखना है। तो अगर आप सिर्फ इसी में उलझे रह जाएंगे तो खाली गेम खेलते बैठ जाएंगे मोबाइल में, है कि नहीं। तो अपने को हैप्पीनेस को अगर जीना है अच्छे से तो इसको एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं, इसको एक जर्नी की तरह जीना है और इसीलिए फटाफट से अपनी प्रक्रिया एडमिशन की पूरी कीजिए और जल्द से जल्द आगे बढ़िए अपनी पढ़ाई की ओर, अपने करियर की ओर, अपने स्किल्स को डेवलप करने की ओर, क्योंकि आपके स्किल्स ही आपको अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, आपको अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कैरेक्टर देंगे, साथ ही साथ आपके स्किल्स ही आपको जॉब रेडी भी बनाएंगे या बिजनेस रेडी बनाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्किल्स पर अब से ध्यान देना शुरू कर दें और एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। थर्ड लिस्ट जैसे ही आएगी मैं भी अपलोड कर दूंगा, मैं भी अपडेट कर दूंगा कि क्या है थर्ड लिस्ट के मायने और कैसे आपको एडमिशन की प्रक्रिया उसके बाद करनी है। कई लोगों का नाम थर्ड लिस्ट में भी ना आया तो क्या करना है, ये एक सवाल है जो काफी टाइम से पूछा जा रहा है कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं आया, सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया, थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया, आता काय करायचं, सु करू हवे काय, टेंशन में आवी गयो छू, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो अभी टाइम है 10 सितंबर तक का, आपको पता चल गया है ना कि यार कट ऑफ हाई है, सबके फ्री फंड में बहुत मार्क्स मिले, सबको बहुत परसेंटेज मिले, तो कहीं ना कहीं यार मेरे लेवल का या मेरे परसेंटेज के हिसाब से मुझे कहां एडमिशन मिल सकता है, वहां का फॉर्म इज्जत से भर दो, रिस्पेक्टिवली भर दो और टेंशन मत लो। जहां पर तुमको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को यहां पर एडमिशन मिल सकता है, अभी टाइम है ना 10 सितंबर तक का, वहां के फॉर्म्स फटाफट भर दो, दोनों जगह के यूनिवर्सिटी के भी और कॉलेज की भी, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, है ना, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जितने परसेंटेज है उस हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट करो फटाफट से और जो भी थर्ड लिस्ट के बाद लिस्ट आएगी उसमें जरूर आपको कंसिडर किया जाएगा और सभी को एडमिशन मिल जाएंगे। दोस्तों थर्ड लिस्ट के बाद भी अगर नाम नहीं आया तो क्या करें,
ये एक आखिरी सवाल ले लेते हैं दोस्तों। अगर थर्ड लिस्ट के बाद भी नाम नहीं आता है और आपने एक्स्ट्रा कॉलेजेस भी नहीं डाले थे और आपको कहीं पे कंसिडर नहीं किया गया, तो ऐसे में भी मन मार कर बैठने की बात नहीं है। मौका जिंदगी हमेशा देते रहती है। आपका किसी रेगुलर कॉलेज में शायद एडमिशन नहीं हो पाएगा इस साल, लेकिन यूनिवर्सिटी आइडल यानी डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के माध्यम से आपको प्राइवेटली हम कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी एडमिशंस लेती है। अगर आपका तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया तो ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो शायद ये वीडियो लेट देख रहे होंगे या शायद ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब उनका फाइनल राउंड में भी ना आए। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ऐसे में आखिरी रास्ता यही होता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट की तरह तो पढ़ नहीं सकते कॉलेज वगैरह जाके, क्योंकि आपको कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन। आप आइडल के स्टूडेंट बन सकते हैं जिसका एडमिशन प्रक्रिया थोड़े टाइम बाद शुरू होगा, और तब आप आइडल का फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट है, वहां से आप फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई को डिस्टेंस मोड से चालू रख सकते हैं। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है, सेमेस्टर पैटर्न तो होता ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये होता है दोस्तों कि आपको कॉलेज जाने कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है, आपको घर पे पैसे ही आपकी पढ़ाई करनी होगी। आपको कोई कोचिंग वगैरह जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इसकी सिर्फ एग्जाम्स के लिए आपको जाना होता है। फिर बाद में फर्स्ट ईयर हो गया तो सेकेंड ईयर में आप कहीं कॉलेज वगैरह में एडमिशन भागदौड़ करके ले सकते हैं। तो ये एक एस्केप रूट हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ तो फाइनली आइडल का फॉर्म भर के साल को वेस्ट मत करना और पढ़ाई को जारी रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने दे दिया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो जरूर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। साथ ही साथ यू कैन कमेंट योर थॉट्स एंड आई होप यू ऑल गेट एडमिशंस इन योर डिजायर्ड कॉलेजेस। और हम आगे की पढ़ाई की जर्नी जल्दी इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर हमारे साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।